फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आइडियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग यहीं से मैं लास्ट ब्लॉग को एंड कर रही हूँ और यहीं से न्यू स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। इवनिंग का टाइम है दोस्तों, हस्बैंड को फोन की हूँ तो वो बोले हैं देर रात में आएंगे और कल से हम लोग का चल रहा है सेवई बनाने का, लेकिन बनाई नहीं हूँ तो अभी मैं जा रही हूँ दोस्तों सेवई ही बनाने। सेवई रोटी और सब्जी बनाऊंगी दोस्तों। पूड़ी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अवॉइड करने का, कम से कम खाने का, इस वजह से पूड़ी नहीं बना रही दोस्तों। नहीं तो हम दोनों को पूड़ी बहुत पसंद है, तो एक बार फोन करके पूछ ली, अगर बोलते ना तो फिर बना देती अपने लिए, लेकिन रोटी ही बनाती दोस्तों। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं गोभी देखिए ले ली हूँ कट करने के लिए, छोटू सा गोभी है तो थोड़ू सा सब्जी बनाऊंगी, मतलब एक टाइम का ही सब्जी बन सकता है ऐसा गोभी है ये कहने का मतलब। और ये मैं निकालनी हूँ दूध इसमें रख के और बाकी का मैं सेवई बना दूंगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सेवई बनाने के लिए एक बड़े गंज से ना दूध निकाल ले रही हूँ एक्स्ट्रा, और इस बड़े वाले गंज में ही मैं सेवई बना दूंगी ताकि बर्तन को मैं खाली भी कर सकूं। और बड़ा बर्तन फ्रिज में रहता है दोस्तों, तो ऐसे ही खाली कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सेवई वाला बॉटल बाहर निकाल ले रही हूँ। सेवई को मैं फ्राई कर ले रही हूँ दोस्तों। कढ़ाई में मैं घी ऐड की हूँ। घी ऐड करने के बाद सेवई ऐड कर दी हूँ। सेवई को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। और यहाँ पे दोस्तों ड्राई फ्रूट्स ले ली हूँ, ज्यादा तो ड्राई फ्रूट्स नहीं लेकिन फिर भी डाल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि बिना ड्राई फ्रूट्स के तो मजा भी नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाती हूँ मेरे ब्रेसेस के कारण दोस्तों, क्योंकि दांत में ना थोड़ा सा लगता है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं काजू को बारीक चॉप कट कर ली हूँ। थोड़ा सा किशमिश डाल दे रही हूँ दोस्तों। सेवई मेरा भूज करके रख दी हूँ। यहाँ पे बीच में मैं बना ली दोस्तों अपने लिए चाय। शाम का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, चाय पीने का इच्छा हो रहा था तो मैं यहाँ पे चाय बना ली हूँ। इसके बाद दूध वाला गंज रख दी हूँ बॉइल होने के लिए। बॉइल आ गया है दोस्तों, अंदर बॉइल होने लगा। इसके बाद सेवई पूरा उसमें ऐड कर दी हूँ। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही दोस्तों, डायरेक्ट बस दूध में सेवई को भूज करके डाल दे रही हूँ, जिससे कि सेवई बहुत टेस्टी बनेगा। सो फ्रेंड्स, आ जाओ और आप लोग भी चाय पी लो। बस सेवई बन जाए, इसके बाद मैं सब्जी बना लूंगी दोस्तों गोभी कट करके। हाँ, मेरे हस्बैंड आ गए हैं और रुको मैं बाहर का लाइट चला दूं, ठीक है ये। और बोल रहे हैं कि हाँ काला कलुआ ले लो। ऐसे खुद ही बोले हैं बेचारे, बहुत थक गए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये है अपना छोटा सा बैग जो अपने पम्पम के पास रख लेते हैं, है ना। मेरे को समझ नहीं आता क्यों ऐसा करते हैं लोग ना, पैसा कहाँ लेके जाना है। हाँ, रहना तो अपन को यहीं पे है प्यार से। कैसे, कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, ये क्या है? लेके जाना है साइड पे। बोलो तो, इसको बोलते हैं क्या है? हाँ, क्या बोलते हैं? बीट। बीट, मैं भी जाऊंगी, चल सकती हूँ। रात में कुछ नहीं दिखेगा क्या? साइड का लाइट नहीं लगा हुआ है? बोले थे लेट आऊंगा, आप तो कितना 8:15 को तो आ गए। देखो 8:15 घर आ गए, फ्रेश होके फिर जाओगे। बंद करने का भी सिस्टम दिया है उस कवर्ड में, बंद करने का भी दिया है। मेरे हस्बैंड घर आने के बाद फ्रेश वगैरह हो ली है और ये देखिए हम लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, यही हॉल में यहीं पे ही कपड़ा रख देते हैं बाहर में, वही सीमेंट रखने के कारण। तो नहा लिए, फ्रेश हो लिए और फिर चले गए दोस्तों। दुर्ग गए हैं, दुर्ग में काम चल रहा है ना तो वहां चले गए हैं, इसीलिए मैं बोली कैसे जल्दी आए, बोले थे कि लेट आऊंगा तो अभी जस्ट गए हैं तो मैं आप लोग के साथ ब्लॉग में बोल रही हूँ। और मैं उस समय ब्लॉगिंग कर ही रह रही थी तो देखे ना, तो मैं बोली आपको ले लूं क्या, बाहर गई गेट खोलने, तो मैं बोली आपको ले लूं, तो बोलते हैं हाँ ले लो, एकदम कालू कालू सा मैं हो गया हूँ, ले लो। इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करी। शेयर करने से पहले पूछ लेती हूँ दोस्तों, तभी शेयर करती हूँ। और ना हम लोग का खुद का काम है ना दोस्तों, तो अभी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। बिजनेस ऐसा चीज ही है, छोटा हो या आपका बड़ा हो, जितना मेहनत करोगे उतना प्रॉफिट, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इस वजह से ना मेरे हस्बैंड वैसे वैसे दिख रहे, जब नहा लेते हैं फ्रेश हो लेते हैं तो फिर ठीक दिखते हैं। और बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, रायपुर से भिलाई अप डाउन करना, आना जाना,
तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत होता है, लेकिन ठीक है, चल रहा है, जैसा भी है जो भी है, आगे के जो भी अप्स एंड डाउन होंगे सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही। तो चलिए दोस्तों, बीच में ना मेरे ना चाचा का फोन आ गया, तो मैं आप लोगों के साथ ना ज्यादा कुछ किचन का शेयर नहीं कर पाई, यानी स्टैंड में फोन लगाकर, क्योंकि मैं चाचा से ना बहुत देर से फोन में बात कर रही थी हेडफोन लगाकर। तो ऐसे ही हम लोग बीच बीच में ना बात करते रहते हैं दोस्तों, और मेरी फैमिली भी ना बहुत अच्छी है, मतलब सब लोग बीच बीच में याद करते। कॉल करने से क्या होता है ना दोस्तों, सब तो अपने लाइफ में बिजी है, लेकिन थोड़ा सा बात कर लो ना तो अच्छा लगता है। आप कैसे हो, मैं कैसी हूँ, क्या चल रहा है, बस यही सब, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो वही चाचा से बात कर रही थी, एक अलग ही बॉन्डिंग है। मेरे एक ही चाचा हैं दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत करीब हैं हम लोग के दिल के। मतलब हम तीनों भाई बहन हैं ना, हम तीनों भाई बहन में ऐसा भी होगा कि मेरे चाचा हैं, मेरे चाचा हैं, इतने अच्छे हैं, तारीफ करूं तो भी कम ही है। तो चलिए दोस्तों, वही चाचा से बात कर रही थी ना, इसलिए ब्लॉग नहीं बना रही थी, बात कर ली, रख ली, फिर आप लोग के साथ शेयर करी। अब मैं जा रही हूँ दोस्तों सब्जी बनाने, और आटा सान के रख दूंगी, जब आएंगे ना तब रोटी बनाऊंगी, या नहीं तो बना के रख दूंगी, पर वही गिनती करके फिर बना के रखना होगा। फ्रेंड्स, हस्बैंड चले गए हैं, इसके बाद किचन का काम करते करते मैं आ गई हूँ, सारे कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में लगा दे रही हूँ। और आज सुबह का भी थोड़ा सा ही कपड़ा है, लेकिन मैं लगाई नहीं थी मशीन, तो अभी ही लगा दे रही हूँ, जब समय मिलता मैं मशीन लगा देती हूँ दोस्तों। और आजकल तो डेली का डेली ही वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा घर पे काम चल रहा है ना, तो सुखाने में दिक्कत होता है। तो बस यहाँ पे मशीन में कपड़ा धुल रहा है दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं किचन में। ब्लॉग पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है ब्लॉग बनाने में। गोभी कट करके गोभी को पानी में बॉईल कर ली हूँ दोस्तों, इसके बाद सब्जी वगैरह यहाँ पर मैं रख ली हूँ, मसाला रख ली हूँ, सरसों, लहसुन और काली मिर्च और थोड़े से गरम मसाले का पेस्ट मेरे पास फ्रिज में है दोस्तों, वही ऐड कर दूंगी। सेवई मेरा बन चुका है, तो चलिए दोस्तों सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मेरा गरम हो गया है दोस्तों, यहाँ पे मैं आटा सानने के लिए डब्बे में से आटे को भी निकाल ली हूँ। और यहाँ पे दोस्तों कढ़ाई में मैं डाली हूँ सरसों तेल, इसके बाद डाली हूँ दोस्तों जीरा, हींग, इसके बाद डाल दी हूँ आलू। ये देखिए दोस्तों, यही पेस्ट है जो फ्रिज में मैं रखी हुई थी, तो इसी को एक टीस्पून डालकर फटाफट सिंपल सा सब्जी बना दूंगी दोस्तों, हल्का सा लटपट, ज्यादा मतलब पानी नहीं रहेगा, सूखा सब्जी। तो यहाँ पे आलू को पहले फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि गोभी को गर्म पानी में बॉईल की हूँ ना दोस्तों, थोड़ा सा बॉईल करना जरूरी है अच्छे से साफ करने के लिए सब्जी को, तो गोभी हल्का ना सॉफ्ट जैसा हो गया है, इसलिए मैं इसको कम फ्राई करूंगी, इसीलिए पहले आलू डाली थी। यहाँ पे प्याज डाल के भी एक साथ गोभी आलू फ्राई हो रहा है दोस्तों। देन यहाँ पे मैं थोड़े बहुत जो ये मेरे पास ना खीरा मूली है, सूख रहा है दोस्तों, तो इसको मुझे यूज भी करना है, और हम लोग सैलेड के रूप में नहीं खा रहे तो रायता बनाऊंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आलू गोभी फ्राई हो गया है, इसके बाद ऐड कर दी हूँ रूटीन के हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर मसाला, देन टमाटर है बड़े साइज का, और मसाले का जो पेस्ट था मस्टर्ड पेस्ट, उसको भी एक टीस्पून ऐड करके सभी चीजों को मिक्स करके ढक दी हूँ। साथ में ही दोस्तों जो भी थोड़े बहुत बर्तन निकले उनको भी वॉश करके बकेट में डाल दी हूँ, इससे ना बर्डन कम रहता है दोस्तों और किचन ऑल टाइम खाली लगता है। तो बस मैं ऐसे ही करते रहती हूँ बीच बीच में, तो वही आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स फटाफट मैं आटा भी सान ले रही हूँ, थोड़ा सा ही सानना है, बहुत ज्यादा नहीं सानना है। कैमरे में दोस्तों दिख रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड से काम कर रही हूँ, बट मैं राइट हैंड से काम कर रही हूँ दोस्तों। तो चलिए फटाफट सेवई भी बन चुका है, सब्जी भी बन चुका है, और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ दोस्तों फटाफट रोटी। फोन करके अगेन से मैं पूछी हूँ हस्बैंड को कि पूड़ी बना दूं क्या, खाने का मन है क्या, क्योंकि सेवई बना है, बट बोले कि नहीं मैं रोटी खाऊंगा। और मैं बोली मैं आपके लिए पूड़ी बनाऊंगी, लेकिन मैं अपने लिए रोटी ही बनाऊंगी, लेकिन बोले कि नहीं रोटी ही खाएंगे, तो फिर मैं रोटी बना ले रही हूँ दोस्तों। और मौसम अच्छा हो गया, बट लेकिन गर्मी तो लगेगा ही दोस्तों, अभी तो गर्मी लग ही रह रहा है। यहाँ पे फटाफट मेरा रोटी बन गया आप लोग से बात करते करते, तो चलिए दोस्तों इसके बाद आगे जो भी मैं कर रही हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ दिखा दे रही हूँ। रोटी वगैरह बनने के बाद दोस्तों मैं सारा चीज अच्छे से डस्टिंग कर ले रही हूँ, यानी कि कपड़े को गीला करके एक बार सारे चीजों को अच्छे से मैं पोंछ ले रही हूँ। जो भी आटा वगैरह है सब कुछ क्लीन, बर्तन वगैरह भी वॉश हो चुका है दोस्तों। तो ये देखिए इस साइड के भी स्लैब को पोंछ दी हूँ, थोड़ा बहुत बड़े बर्तन साइड में रखी हूँ दोस्तों, पहले वॉश की थी, अभी वो सूखा नहीं है तो यहीं पे पलट दी हूँ, सूख जाएगा ना फिर मैं जमा दूंगी। जब तक पानी रहता है दोस्तों तब तक मैं नहीं रखती हूँ। ये देखिए खीरा,
और मूली और प्याज कट करके रखी हूँ दोस्तों, और धनिया पत्ती बारीक बारीक कट करके रखी हूँ। यही तीनों चीज को मिक्स करके दोस्तों मैं रायता बनाऊंगी। बाउल में ले ली हूँ दही, दही प्लेन दही है दोस्तों। इसके बाद खीरा, मूली और प्याज को बारीक चॉप कट किया हुआ एंड धनिया पत्ती, सभी चीजों को डाल दे रही हूँ दोस्तों रायता बनाने के लिए। रायता थोड़ा बच जाएगा लेकिन बना दे रही हूँ, कल भी खा लूंगी। और डाल दी हूँ दोस्तों चिली फ्लेक्स, इसके बाद ऐड कर दे रही हूँ काला नमक। चाट मसाला है तो आप वो भी डालिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और सिंपल सा रायता बना रही हूँ दोस्तों, थोड़ा सा सब्जी का क्रंची फ्लेवर आए, यानी सब्जी में सलाद का क्रंची फ्लेवर आए तो अच्छा लगता है। 2 क्यूब बर्फ का डाली हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दी हूँ, इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। तो रायता मेरा रेडी हो चुका है दोस्तों, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। छोटे बाउल में थोड़ा सा खाने के साथ में ले लो ना दोस्तों, तो कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है खाने का, मतलब टेस्ट बढ़ जाता है, कॉम्बिनेशन नहीं। तो यहाँ पे रायता मेरा सेवई रेडी हो चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ये सभी चीजें प्रिपेयर करने में काफी मुझे पसीना आया है, गर्मी बहुत लगती है दोस्तों। आलू गोभी सब्जी भी बन चुका है। इसके बाद ये सुबह का दोस्तों थोड़ा सा राइस है, जिसको अभी मैं कुकर से खाली करके इसमें शिफ्ट कर दी हूँ। देन साइड में हॉट पॉट में है रोटी। तो खाना वगैरह मेरा बन चुका है, किचन वगैरह क्लीन हो गया, बर्तन वगैरह भी वॉश हो चुका है दोस्तों। अब मैं हस्बैंड का वेट करूंगी, जब आ जाएंगे फिर हम लोग खाएंगे। मैं जो रायता बनाई हूँ इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ ताकि खट्टा ना हो दोस्तों। अभी जस्ट आ गई हूँ रूम में और आप लोग देख सकते हैं पसीना। आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? मैं ऐसा ही करती हूँ, खाना बनाते बनाते सब काम करती हूँ लेकिन मुझे गर्मी लगता है ना दोस्तों, तो बीच बीच में निकल लेती हूँ, आके हवा लेती हूँ। देखो पसीने से ही मेरे तंदूर गीला भी हो गया, तो बहुत गर्मी लग रही थी दोस्तों। मौसम अच्छा हो गया है पर पता नहीं क्यों पसीना तो लेकिन आ ही रह रहा, उतना मुझे गर्मी नहीं लग रहा था जितना मुझे पसीना आ रहा है। तो बस बहुत ही ज्यादा गीली गीली हो रही थी ना, इसलिए आई हूँ थोड़ा देर हवा लूंगी, देख रहा ना, हाँ हवा लूंगी, फिर इसके बाद जाऊंगी दोस्तों तो फिर बनाऊंगी रोटी। और मशीन में धुल रहा है कपड़ा। मेरा अगर ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, जो हो पाता है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ दोस्तों। कुछ खास तो नहीं मुझे लगता है कि मैं दे पाती हूँ आप लोग को, बट ठीक है जो हो पाता है वही शेयर करती हूँ। तो प्लीज ऐसे ही मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो फुल वॉच नहीं करने से वीडियो खराब हो जाती है दोस्तों। तो प्लीज बिना स्किप किए एंडिंग तक पूरा देखा कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।